हेलो गाइस पीएम ऋषि सुनक वाइफ ए अक्षता मूर्ति टू लीड किंग चार्ल्स क्रोनेशन विद यू के फ्लैग पी ऋषि सुनक और उनकी वाइफ को लीड करना है किंग चार्ल्स का क्रोनेशन विथ यू फ्लैग यू प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक एंड वाइफ अक्षा मूर्ति लीड करेंगे प्रोसेशन कैरिंग द कंट्रीज नेशनल फ्लैग एट द किंग चार्ल्स क्रोनेशन ऑन सैटरडे नेक्स्ट वीक द बक पैलेस इन अ स्टेटमेंट ऑन फ्राइडेज सेट द सुनक एंड एक्सटा विल बी फॉलोइंग रॉयल एयरफोर्स कैडेट who विल बी be bearing the flag ऑफ the यूनाइटेड किंगडम uk prime प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और वाइफ अक्सा मोटी लीड करेंगे प्रोसेशन कैरी करेंगी, करेंगी अपने देश का फ्लैग किंग चार्ल्स के कोरोनेशन में सैथर्डे को अगले हफ्ते यानी छः मई को बैकिंगडम पैलेस स्टेटमेंट ने फ्राइडे को कहा है कि जो सुनक होंगे और अक्सा होंगे वो फॉलो करेंगे रॉयल एयरफोर्स कैडेट को जो कि पहने फ्लैग यूनाइटेड किंगडम का आप देख सकते हो फोटो यूके ऋषि सुनक और उनकी वाइफ का फर्स्ट प्रोसेशन इनटू टू एबे विल बी मेड और फेथ लीडर्स एंड फेथ रिप्रेजेंटेटिव इज फॉलोड शॉर्टली आफ्टर वर्ड्स बाई रिप्रजेंटेटिम इस मजस्टी रेल्स फ्लैग्स ऑफ ईच रेलमी विल भी कैरिड बाई नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ए कम्प्लीट बाई गवर्नर जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर्स द पैलेड पैलस ने कहा है कि जो पहला प्रोसेसन होगा बट वेस्ट मिनिस्टर एवे वो करेंगे फेथ लीडर्स के साथ भरोसेमंद और रिप्रेजेंटेटिव के साथ फॉलो करेंगे शॉर्टली आफ्टर वर्ड्स जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे मजस्टिस के रेल्स में और फ्लैक्स जो होंगे ईच रेल के वो कैरीड आउट किए जाएंगे नेशनल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जिसमें गवर्नर जनरल होंगे और साथ में प्राइम मिनिस्टर होंगे द प्रोसेशन ऑफ द किंग एंड द क्वीन विल बी लेड बाय द मार्केस ऑफ एंग्लिसली द ड्यूक ऑफ वेस्ट मिनिस्टर द आर्ल ऑफ कैंडॉन द आर्ल ऑफ ड्यूडी विल कैरी द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वार्टरिंग ऑफ द रॉयल आर्म्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेल्स फ्रांसिस डाइमॉक विल कैरी द रॉयल स्टैंडर्ड एट स्टेटमेंट स्टेटमेंट ने कहा कि जो प्रोसेशन होगा किंग का और क्वीन का वो लेट किया जाएगा मार्केस ऑफ एंगलिस के द्वारा ड्यूक ऑफ वेस्टमिनिस्टर के द्वारा और द आर्ल ऑफ कैलेडोन के द्वारा आर्ल ऑफ डूडी के द्वारा जो कि कैरी करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ क्वार्टरिंग को रॉयल आर्म में और स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपैलिटी को वेल में फ्रांसिस डोम वो कैरी करेंगे रॉयल स्टैंडर्ड एडेड द स्टेटमेंट न्यू स्क्रीन विल प्रोवाइड एब्सोल्यूट पायरेसी ड्यूरिंग द मोस्ट सेक्रेट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वी क्रोनेशन सर्विस वर्किंग चार्ज इंश्योरिंग द आइज ऑफ़ द वर्ल्ड विल नॉट सी द मोनार्च बीग एनॉइटेड बकिंग मार्ग पैलेस बंकिंग मार्ग पैलेस ने कहा है कि जो नया स्क्रीन होगा प्रोवाइड करेगा एब्सोल्यूट प्रायोरिसी यानी इस यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी ड्यूरिंग द मोस्ट सेक्रेट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक्स क्रोनेशन सर्विस किंग चार्ल्स के लिए जो होगा इंश्योर क्या है जो आइज़ होगी दुनिया की वो नहीं देखेगी मोनार्च जो कि बिंग एनोटॉइट किया जाएगा ऐसा बंकिंग पैलेस ने कहा है थ्री साइडेड स्क्रीन सील्ड विल सील्ड चार्ल्स वन हीज एन टॉयटेड विथ होली ऑयल कॉन्सिक्रेटेड इन जेरूसलीम ऑन इज हैंड्स ब्रिज एंड हाइड शॉर्टली बिफोर ही इज क्राउंड एट द लंडन वेस्ट मिनिस्टर अबे ऑन सिक्स माई रिपोर्टेड र्यूटर्स र्यूटर्स को कहा गया है कि जो तीन साइड स्क्रीन होंगे उससे सील्ड करेंगे चार्ल्स को जब वॉयट किए जाएंगे होली ऑयल कॉन्सिक्टेड करेंगे जेरोसलीम में और उनके हाथ पे ब्रिज पे और हेड पे शॉर्टली बिफोर उनको क्राउंड किया जाएगा लंडन के वेस्ट मिनिस्टर एबे की तरफ से छः मई को तो गायज तब तक ले गुड बाय टाटा बाय बाय